हेलो गाइस, माय न्यू वीडियो। तो देखिए, आज जो फॉर्म होता है इस तरीके का टाइट वाला, तो टाइट जो ये कड़क वाली फॉर्म होती है और जो मुलायम वाली फॉर्म होती है, दोनों के आइडियाज़ में दिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो एक सूट में इस तरीके से कड़क वाली फॉर्म निकलती है, उसी के अकॉर्डिंग दो कपड़ों को कट करना है। ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, मेरे पास एक पुरानी सलवार का पड़ा था, तो इसे मैं इसी शेप में कट कर लूँगी। तो मैंने देखिए इसी फॉर्म के दो टुकड़े कपड़े के कट कर लिए हैं इस तरीके से। एक कपड़े को हमने ऊपर साइड रखना है और दूसरे कपड़े को इसके नीचे उल्टी साइड में रखना है इस तरीके से। हम इसे ठीक से सेट करेंगे और चारों तरफ से इसमें हमने सिलाई रखनी है। तो ये हमारा एक पीस तैयार हो जाएगा। अब इसकी अगर हम सिलाई पूरी करते हैं तो उसके बाद मैंने इस तरीके से तीन टुकड़े लिए हैं जिसकी लंबाई मेरी सेम उसी की तरह रहेगी, और जो मैंने चौड़ाई ली है सेम उसी की तरह, सॉरी, और लंबाई मेरी 6 इंच की है। तो इस तरीके से मैं कपड़े में इसे अटैच करूँगी और इसे भी दोनों तीनों तरफ से सिल दूँगी। तो मैंने इसे डबल फोल्ड कपड़े को इस तरीके से किया है और दोनों साइड से इसमें मैं सिलाई लगा दूँगी। तो सेम इसी तरीके से मैंने इन तीनों पीसों को और जो मेरे पास बड़ा रेक्टेंगल पीस था उसे भी मैंने रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब लास्ट वाले नीचे साइड में मैं एक पाइपिंग लगाऊंगी, जिसके लिए कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में ले सकती हूँ। तो मैंने कंट्रास्ट में हल्का ग्रीन कलर लिया हुआ है। इस तरीके से मैं नीचे से इसमें पाइपिंग लगा दूंगी। अब इसे एक फोल्ड इस तरीके से मैं लूँगी और इसे पिन से सेट करूँगी। तो एक फोल्ड मैंने इसी का इसमें मारा हुआ है, तो आप देखेंगे एक फोल्ड की पलटी मैंने इससे दे करके पिन से इसे टाइट कर दिया है। अब आप देखेंगे जो तीन पीसेस मैंने तैयार किए थे, तो इस तरीके से ऊपर वाली साइड मैंने अपनी फेयर साइड रखनी है, नीचे वाली रफ वाली साइड रखते हुए 1 इंच अंदर को दबाते हुए इस तरीके से हम इसे भी सेट करेंगे। तो सेम इसी प्रोसेस से 1-1 इंच अंदर को दबाते हुए एक के ऊपर एक इस तरीके से हमने रखना है और पिन से इसे टाई कर देना है। तो इस तरीके से मैंने इसे पिन से अभी सेट कर लिया है। अब इसी तरीके की पाइपिंग मैंने और ली है और इस पाइपिंग को भी मैं इस तरीके से इस पर लगाऊंगी और एक साइड से इसे सिलना स्टार्ट करूंगी। तो एक साइड की पाइपिंग को मैं इस तरीके से बना लूंगी। अब सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से मैंने पाइपिंग के इस कपड़े को लगा लेना है और इसे हम अपने ऊपर वाली साइड भी पूरा लाएंगे और 2 इंच ऊपर से छोड़ेंगे, जिससे कि हम वॉल में टांगने के लिए बना सकें एक होल टाइप से। अब इसको हम इस तरीके से नीचे से सिल देंगे ताकि जो भी हम सामान रखें वो बिल्कुल सेट और सिक्योर रहे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तीनों पीसेस में मैं इसी तरीके से नीचे वाली साइड से सिलाई लगाऊँगी। तो इसका हैंडल भी बन के मेरा रेडी हो चुका है उसी कपड़े से और इसे मैंने बना करके इस तरीके से रेडी किया है। आप कहीं पर भी इसे वॉल में सेट करके लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 4 पॉकेट वाला ये मेरा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो चुका है। तो कड़क वाली फॉर्म का आइडिया आप इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है बनाना। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में इसे बना रही हूँ। अब नेक्स्ट वाला आइडिया है बिल्कुल एकदम मुलायम फॉर्म का। तो दो तरह की फॉर्म होती है, एक कड़क और एक मुलायम। अब मुलायम वाली जो फॉर्म है उसमें मैंने 3 पीसेस लिए हुए हैं। एक फॉर्म का पीस लिया हुआ है, एक मेन फैब्रिक और एक अपना कोई भी कपड़ा ले लीजिए आप, जिसे हम नॉन मेन की तरह यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इन तीनों को बीच में फॉर्म को रखते हुए इस तरीके से सेट करना है
और इसे भी मैंने पिन से सिक्योर करके इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ से। और आप इसमें कोई भी डिज़ाइन की सिलाई बीच में भी लगा लीजिए। मैं इसमें केवल बॉक्सेस वाली सिलाई, क्विल्ट वाली सिलाई को कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसमें सारी तरह से चारों तरफ से क्विल्ट मैंने बना दिए हैं, आप देखेंगे। अब इसकी लंबाई आप देखेंगे तो इसकी लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है इसकी 6.5 इंच। अब इसका हम 20 सेंटर निकालेंगे। 20 सेंटर निकालने के लिए इस तरीके से हमने मोड़ा है इस पीस को और चौक से हम इसमें नीचे साइड से निशान लगाएंगे तो 20 सेंटर हमारा निकल जाएगा। अब 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हम इस पर एक कट लगाएंगे एक साइड से। तो मैं ऊपर वाली साइड से इस तरीके से 2 इंच छोड़ते हुए इसमें कट लगाऊंगी और चैन को करूंगी इसमें सेट। तो चैन किस तरीके से लगानी है वो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। चैन ली है, एक साइड से पहले लगाएंगे, इसे इस तरीके से पलटना है और ऊपर से भी टॉप स्टिच दे देनी है। सॉरी गाइस, आज मेरी वॉइस अगर अच्छी ना आ रही हो क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुखाम है तो इस वजह से क्लियर बोलने में नहीं आ पा रहा है, तो फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें अपनी चैन अटैच कर ली है और अंदर से एक कपड़े को लगा लेंगे जिससे कि हमारी पॉकेट बन जाए। तो क्लियर हो गई पॉकेट। अब एक ऊपर चैन हमने फिर लगानी है इस तरीके से, बस इसको पलटते हुए टॉप स्टिच देंगे और सेकंड वाली साइड को भी इस तरीके से लगाएंगे। चैन निकाल दी है अलग हमने और इस तरीके से एक बार ऐसे लगाएंगे, फिर टॉप स्टिच देंगे तो चैन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें हम अपनी जिप अटैच कर देंगे। बहुत ही आसानी से जिप भी अटैच हो जाती है। अब देखिए दो पॉकेट हमारी इसमें बनेंगी और इसे हमने उल्टा कर लिया है। एक छोटा सा लूप हमने रेडी किया था मेन फैब्रिक का, तो इस तरीके से अंदर डालेंगे और इसमें हम देंगे सिलाई एक साइड से। सेकंड साइड से भी हम इसी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब कोई भी शॉपिंग बैग के छोटे से टुकड़े से हम इसे फिनिश करेंगे जिससे कि रफ़ एसेस वगैरह हमारे सारे बंद हो जाएं। अब इसे सुलटा करेंगे और सुलटा करने के बाद आप देखेंगे कि एक टू पॉकेट वाला बहुत ही छोटा सा पॉकेट पर्स हमारा रेडी हुआ है। तो कैसा लगा आइडिया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर